एक हॉट चॉकलेट, चीनी बहुत सारी। अभी लो। दादू लाल, मैं बना देता हूँ। ए ओचोबॉट, तबीयत कैसी है? बस सिर थोड़ा भारी है। तुम पिछले कुछ दिनों से बार बार बेहोश क्यों हो रहे थे? पता नहीं दादू लाल, लगता है तुम्हारी बैटरी खत्म हो रही है। दादू लाल। ए बोबो बॉय, तुम आ गए। हाँ दादू, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ तो पूछो ना। हाँ। क्या आपको स्कूल के पास वाले पुराने घर के बारे में कुछ पता है? वो स्कूल के पास वाला पुराना घर? हाँ, पता है पता है। करीब एक हफ्ते पहले कुछ लोगों को मैंने उसके बारे में बात करते सुना। वो कह रहे थे कि उसमें भूत है। हाँ? क्या ये सच है दादू? बिल्कुल भी सच नहीं है। एकदम सच है। हाँ? एक दिन मैं जब बर्गर बांटने जा रहा था, मैंने काले भूत को घर के पास घूमते देखा है। हाँ? एकदम सच है सर, उस घर में एक भूत है। कहा जाता है वो भूत सूरज ढलने पर नजर आता है, कभी कभी वो शेर का रूप लेता है और कभी वो इंसानों जैसा लगता है। हाँ? अब वो अपना रूप भी बदलने लगा? ए, सब जानता है कि भूत रूप बदल सकता है, क्या तुम स्कूल में कुछ सीखता नहीं है? ये बच्चा भी ना, हम तो कहानी बताने जा रहा था। हाँ, तो बताओ ना। बहुत समय पहले की बात है, इस घर में 9 लोगों का परिवार रहा करता था। पहले 6 महीने तक वो खुश थे, पर 7वें महीने से कई घंटों बाद और इसीलिए उस घर में भूत है। लेकिन आपको ये कहानियाँ किसने सुनाई? क्या आपने कुछ देखा है? हाँ, मेरा मतलब नहीं, कल गोपाल हमें ये कहानी सुना रहा था। वाह, गोपाल और उसकी मनगढ़ंत कहानियाँ। धमाला स्टिक। अब और नहीं। क्या तुम ठीक हो? इतने थके हुए क्यों? हे, हम लंबे रास्ते से आया ताकि वो भूतिया घर ना मिले। सब उसी की बातें क्यों कर रहे हैं? कौन सब? देखो, वो सब भी उसी घर की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगा उस भूत को तुमने खुद देखा। बहुत साल पहले उस घर में 9 लोगों का परिवार रहता था। रुक जाओ, तुम्हारे पापा ने एक कहानी सुना दी है। जैसा बाप वैसा बेटा। आपने ऐसा क्यों किया पापा? हमें कहानी सुनाने दो, अगर आपको जरूरी बात बताना भूल गया होगा तो। सुनो बेटा, हम कहानी सुनाने में एक्सपर्ट है। तुम्हारा माँ, चाचा, मामा, दादा, दादी, पूरा गांव बैठ के हमारा कहानी सुनता था। मुझे जाकर बॉस को बताना होगा। मुझे इन सब पर यकीन नहीं। तुम कौन सा रास्ते से यहाँ आया? वही भूतिया घर वाला रास्ता, और कौन सा? क्या तुम्हारे पीछे वो भूत नहीं पड़ा? नहीं तो, लेकिन फिर जब मैं घर से गुजरा, कोई मेरा पीछा कर रहा था। फिर तो वो जरूर भूत ही होगा। प्लीज उस रास्ते से फिर कभी मत जाना बुबू बॉय। ओके, तो चलो उस घर को देख कर आते हैं। चलो। अंदर जाना है?